सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज आपके सामने खड़ी है वेन्यू 2022 फेसलिफ्ट वर्जन, और ये जो है आपकी टॉप वेरिएंट देख रहे हो आप एसएक्स ऑप्शन डीजल के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको इसकी इंजन स्पेस बताता हूँ। इसमें जो हमारा 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, ठीक है, और उसकी व्यू मैं आपको दिखाऊँगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आपको हॉर्न ऐसा कुछ मिलता है सिंगल हॉर्न लॉक अनलॉक करने पर। और साथ ही यहाँ पे आप इसका फ्रंट लुक देख रहे हो, तो फ्रंट लुक में सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी ग्रिल की। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रिल देख सकते हो, इसकी फ्रंट ग्रिल पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है, वो अब जो है ना वो बोनेट के ऊपर से स्टार्ट करी गई है। तो बोनेट के ऊपर से स्टार्ट करने के बाद और बिल्कुल एंड तक ये ग्रिल आ रही है हमारी। और साथ में ये जो स्टाइलिश लाइट यहाँ पर देखो पूरी ग्रिल का लुक आ रहा है ना, दोनों साइड से मिला हुआ जो लुक आ रहा है इसमें वो और भी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे जो नीचे अपनी रेडिएटर ग्रिल होती है ये इस बार पूरी चेंज कर दी गई है। और ये वाली जो ग्रिल है ना ये पूरी जॉइंट है इस बार एंड तक, तो इस वाले एंड से लेके और उस वाले एंड तक की ये पूरी जॉइंट है। और बात करते हैं इसके फॉग लैंप की, तो भाई फॉग लैंप का अभी ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं है कि इसमें फॉग लैंप कहाँ लगेंगे। साथ ही यहाँ पर इसमें 12 इंच दे रखा है, तो जब भी फॉग लैंप के लिए कोई भी अपडेट आएगा तो वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। वैसे बीच में यहाँ पर एक आपको एक होंडा का लोगो दे रखा है। और साथ ही यहाँ पे जो लाइटिंग सेटअप दिया गया है इसमें हमें वाइट कलर की लाइट मिल गई है। पहले आपको हैलोजन मिलती थी लेकिन अब इसके प्रोजेक्टर लाइट में आपको जो लाइट मिलेगी वो वाइट कलर की मिलेगी। और जो कॉर्निंग लैंप होते हैं कॉर्निंग लैंप पे आपको वही नॉर्मल कॉर्निंग लैंप मिलते हैं जो आपके हैलोजन वाले होते हैं, येलो कलर की जो लाइट होती है। साथ ही यहाँ पे इंडिकेटर मैंने आपको दिखाई दिए, इंडिकेटर स्पोक्स में डिवाइड हो गए थे, जो क्या है कि 2 स्पोक्स मिलते हैं लेकिन बल्ब एक ही है। पूरा का पूरी लाइटिंग सेटअप एक है लेकिन बस यहाँ पे स्पोक दे दिया गया है एक ग्रिल से मिलता हुआ, जिससे यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगे हैं आपको देखने में। तो भाई ये अपना डीजल इंजन, और ये जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1500 से 2750 RPM के बीच में, और जो कि 73.5 पावर प्रोड्यूस करता है 1 मिनट के अंदर। तो भाई मतलब ऑब्वियसली इसमें टॉर्क आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, 240 Nm का टॉर्क है। और अब गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट है, तो इंजन होने के बाद ऐसे कुछ हमें देखने के लिए मिलती है। और ये इंजन देखो पहले से ज़्यादा साइलेंट है आपका, और इसमें आपको इंसुलेशन नहीं दिया गया, ठीक है, इंसुलेशन ना होने के बाद भी इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट है। और ऐसा जिसमें कर्व में कोई भी ज़्यादा आपको ज़्यादा नॉइज प्रोवाइड नहीं होती इंजन की, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बाकी जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे बाकी हम आपको जब बताएंगे इसका रिव्यू। और साइड व्यू की बात कर लेते हैं, इसके साइड व्यू में क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो भाई हम साइड व्यू में आ गए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की। तो इसका जो टायर साइज़ देखने के लिए मिलता है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा 16 इंच का, और 16 इंच में इस बार आपको एलॉय व्हील दे दिए गए हैं। ये ना आपके प्रॉपर एलॉय व्हील है, ठीक है, लेकिन जो अपने ब्रेक हैं वो इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और वो भी केवल सिंगल डिस्क मिलेंगे। आगे साइड बैक में कोई भी आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और एक बार प्रॉपर लुक देखोगे तो ऐसा स्टार टाइप में इस बार आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका लुक। और होप्स इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। और ये जो कलर देख रहे हो आप ये रेड कलर के अंदर है। और साथ ही यहाँ पे जो आप ORVM देखो, ORVM के अंदर यहाँ पे आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाता है जैसे पुराने मॉडल में आपको दिया जाता था। तो अब इसकी की बात कर लेते हैं। वैसे की इसमें आपको देखो ऐसे कुछ देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर लॉक अनलॉक होल्ड, और यहाँ पर होल्ड करके बोर्ड खोलने का ऑप्शन है, और एक होल्ड ऑप्शन दे रखा है, वो देखो क्या देता है। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर ऑन ऑफ इसी से ही हो जाता है। तो भाई अपना मेन लाइटिंग सेटअप का बात कर लेते हैं, बैक साइड में मैं आ चुका हूँ। तो मेन लाइटिंग सेटअप इस बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका लगा। और लाइटिंग सेटअप जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये लाइन की वाली जो लाइट है अपनी ये पूरी एंड तक जा रही है, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। देखो मैं सही बताऊँ तो आप, वैसे तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ एक प्रॉपर लुक में। वैसे एक रील बताऊँगा मैं, उसमें आपको एक प्रॉपर लुक दिखा दूँगा इसका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर, और जो इसकी बैक गेयर लाइट है वो आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर नीचे की साइड में, ये इसकी बैक गेयर लाइट देखने के लिए मिल जाती है आपको। साथ ही यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं आपको, पार्किंग सेंसर जो दिए जाएंगे इसमें 2 पार्किंग सेंसर हैं। यहाँ पर आपको दिया जाता है इसका बैक कैमरा नॉर्मली, और यहाँ पर आपका हुंडई की बैजिंग और वेन्यू की बैजिंग, और यहाँ पर एसएक्स की बैजिंग ऑप्शनल, एसएक्स ऑप्शनल की बैजिंग इसमें नहीं दी जाती। ऑप्शनल की जो पहचान है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शनल की पहचान ये, इसमें रियर वाइपर मिलेगा यहाँ पर, और रियर डिफोकर दे रखे हैं, यहाँ पर वॉशर दे रखा है, और साथ में एंटीना यहाँ पर दे रखा है। अब हम पीछे की साइड आते हैं, ऑब्वियसली इसके बूट की बात करेंगे हम, तो इसके बूट की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और साथ ही बूट इसका वही पुराने वाला है जो सेम बूट स्पेस मिलेगा इसमें जो आपको ओल्ड मॉडल के अंदर मिलता था। पार्शियल ट्रे इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ ये है कि अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा ऊँची खुल जाती है, क्योंकि मेरे वाली गाड़ी में इतनी ऊँची नहीं खुलती, ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा खुल जाता है, तो आपको थोड़ा ऊँचक के बंद करना पड़ेगा। नॉर्मली हाइट वाले बंद आराम से इसे बंद कर सकते हैं, और बूट जो है वो काफ़ी आराम से बंद हो जाता है अब,
क्योंकि जो मेरे वाली गाड़ी में बंद है उसे भाई अगर प्यार से बंद करो वो प्यार से बंद ही नहीं होता, ठीक है, उसमें ना थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और इसमें देखो क्या है, इसमें मैं आराम से बंद करूँगा ना तो आराम से ही बंद हो रहा है, ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी देखने के लिए लगी। और साथ ही हम लेफ्ट साइड की बात आ जाते हैं, को पैसेंजर साइड आ जाते हैं, तो को पैसेंजर साइड भी इसके एसएस कोई ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, बस मेन चीज़ उसके जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा इसके अलॉय व्हील्स के अंदर, तो ये इसका खास डिफरेंस है। अब बाकी अंदर से इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बैक सीट्स पे चल लेते हैं और रियर सीट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजिंग मिली है। तो भाई ये इसका बैक डोर यानी कि रियर डोर का लुक है और ये इसमें आपको ड्यूल टोन के अंदर इंटीरियर मिल जाता है, इसमें आपको ड्यूल टोन आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये सॉफ्ट टच मटेरियल है जो यहाँ पर दिया गया है स्टिचिंग के साथ, ये हार्ड प्लास्टिक है और ये जो अपर पार्ट है ये आपका सॉफ्ट टच दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर स्पीकर और वन बोतल होल्डर जो आपको मिलता ही है नॉर्मली। अब आप देख सकते हो सीट इसकी अब स्प्लिट कर सकते हो, आप इसे पीछे और कर सकते हो, ठीक है, वैसे इसे ऊपर करो, हाँ इतनी ऊपर रहती है, ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है। और इसे इतना पीछे और कर सकते हो, ये पूरी रिक्लाइन है अब लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसमें आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, पहले इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता था तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल गया है। और अंदर बैठने हैं भाई, इंटीरियर वाइज अगर हम बात करते हैं इसमें तो इंटीरियर मेरे को अब थोड़ा सा स्लो लगने लगे, स्लो कह रहा हूँ मैं सॉरी, थोड़ा सा मतलब घिचपिच वाला लगने लग गया है, मतलब अंदर से जो स्पेस है कैबिन स्पेस वो काफ़ी कम कर दिया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरे को काफ़ी एयरी सा फील होता है, लेकिन इसमें बैठने के बाद मेरे को अब कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घिचपिच टाइप सा हो चुका है। और यहाँ पर आप देखने को मिलते हैं सी टाइप के चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, जो कि फास्ट चार्जिंग वाले हैं, ये तो भाई मेरे को चेंज करवाने पड़ेंगे अपनी गाड़ी में भी, जल्दी चेंज कराएंगे। और यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं पीछे के, यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स मिलेंगे। और साथ ही इसमें एक और नई चीज़ ऐड हुई है, यहाँ पर एयर प्योरीफायर मिल गया है, एयर प्योरीफायर कैसे कंट्रोल होता है वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप पीछे से बात करोगे तो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, ठीक है, और लाइट इसकी जो मिलेगी आपको हलोजन ही मिलेगी। और यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही इस साइड भी ग्रैब हैंडल देखने, कोट हुक के साथ इसमें आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही ऐसा कुछ लुक आपको रियर से फ्रंट का देखने के लिए मिलता है। तो अब इसके फ्रंट लुक में चलते हैं, मतलब फ्रंट साइड सीट्स पे चलते हैं। और फ्रंट सीट अब जो नॉर्मली सीट है वो एडजस्ट है मेरी हाइट के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है लेग रूम। और इस बार जो है ना थाई सपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, पहले यहाँ पे थाई सपोर्ट कम मिलता था मेरे वाली गाड़ी में, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट मिल जाए तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके आगे और फ्रंट सीट से बात करते हैं इसके कम्फर्ट। तो भाई ये अपना इसका फ्रंट डोर का लुक है, और फ्रंट डोर में अब सबसे पहले यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर, वॉल्यूम कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक के लिए डोर का, और यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर वन बोटल होल्डर मिल जाता है। अब सबसे मेन चीज़ जो आई है इस वाले वेरिएंट में, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती हैं। अब ये वाली बटन जो है ये आपका बैक एडजस्ट करने के लिए, ये वाली सीट आगे पीछे करने के लिए, बस एक चीज़ है जब ये दोनों इलेक्ट्रिकल एडजस्ट दे दिया तो आपको हाइट एडजस्ट भी आपको देना चाहिए था, वो भी इलेक्ट्रिक में, तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ लगता है। और साथ ही यहाँ पे सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ नहीं ऐड हुई है, तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम इसके लुक्स की, तो सबसे पहले मैं अपनी सीट बिल्कुल पीछे कर लेता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आ गया, मैं नीचे देख रहा था कि हैंडल कहाँ है सीट पीछे करने के लिए, तो अब प्रॉपर मेरी सीट पीछे है। सबसे पहले मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, तो भाई अब ये देखो अब नॉर्मली गाड़ी ऑन है, ठीक है, एसी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, एसी ऑफ करने के बाद आप गाड़ी ऑन करोगे ना तो नॉर्मली आपको इतनी आवाज़ नहीं सुनने को आ रही, देखो मैं शांत होता हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत कम आवाज़ है इसमें इंजन की, ठीक है, और अभी कूल स्टार्ट है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके कंट्रोल्स हैं ये इल्यूमिनेटेड हैं, यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दे दिया गया है आपको, हेडलाइट लेवलर यहाँ पर दिया है, इंजन स्टार्ट सब का बटन यहाँ पर दे रखा है, डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल के फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और ये इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, सॉरी स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के बटन मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ये स्क्रीन चेंज हुई है इस बार, ठीक है, तो स्क्रीन में सबसे पहले आप देख लो, मैं आपको दिखाई देता हूँ स्क्रीन में इस बार केवल लुक्स चेंज हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपनी स्क्रीन है और थोड़े से डिज़ाइन चेंज हो चुके हैं। स्क्रीन आपको मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर स्क्रीन दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंज है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इंटीरियर लुक की, जब हम बात करें तो एसी का क्लाइमेट कंट्रोल सेम है जैसा मेरी गाड़ी के अंदर है, ठीक है, एसी चला लेते हैं।
भाई बहुत गर्मी होती है। वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन फिर भी गर्मी बराबर है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर अब आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, बोटल होल्डर, क्योंकि मेरी तो बोटल भी आ जाती है आराम से, तो मैं बोटल होल्डर बोल सकता हूँ। 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है आपको। अब जो अलग स्पेशली यहाँ पे इसमें आपको एयर प्योरीफायर, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको बटन ऑन ऑफ करने के लिए दे रखा है, ठीक है, टर्बो और हाँ स्टार्ट यहाँ से होता है नॉर्मल, और फिर टर्बो, और ये टर्बो बेस है, और थोड़ी सी नॉइस है इसमें। और यहाँ पर आपको अब एक चीज़ है, आर्मरेस्ट का जो साइज़ है, मतलब अंदर से जो स्टोरेज था वो कम हो चुका है भाई, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट लगी। चलो खैर छोड़ो, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं कह सकते इसे हम, क्योंकि हम इसमें हमें आर्मरेस्ट में अब एयर प्योरीफायर मिला तो थोड़ा बहुत स्पेस जाना लाजमी है। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीरियो के लिए, यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपको ड्यूल टोन का इंटीरियर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ग्लो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर आपको। और साथ ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता है भाई, ये नॉर्मली इसे एडजस्ट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। ब्लूलिंग के फीचर्स में आपको सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सनरूफ दी गई है, सनरूफ मिल जाती है इसमें आपको। और साथ ही यहाँ पर आप बात कर लेते हो डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले में क्या क्या मिल जाता है। जैसे डिस्प्ले में आप यहाँ पर वो देख रहे हो, तो यहाँ पर डिस्प्ले में क्या देखो, जैसे मैं रेस बढ़ाऊंगा ना तो ये RPM भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज है। फिलहाल गेट खुला हुआ है, गेट बंद है, तो गेट बंद हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप क्या क्या डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है आपको। और यहाँ पर सेंसरी फीलिंग दिखा रहा है एक, तो भाई ये इसमें कंपास मीटर दे रहे हैं, कंपास मीटर मिल रहा है इसके अंदर आपको। और साथ में फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको एक्युमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ मिलती हैं। और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आ जाता है इसमें, ठीक है। और अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे आपको हुड खोलने के लिए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जो कि मेन चीज़ है भाई, इसमें नई ऐड हुई है। यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि फास्ट है। ब्लूलिंग का फीचर यहाँ से मिल जाता है। 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ से मिल जाता है आपको। USB का सॉकेट यहाँ है, जो ऑडियो के लिए है, जो आपके स्टीरियो में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर इसमें आपको, अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टील्ट आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं किया गया, तो इतने पैसे देने के बाद टेलीस्कोपिक मिलना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से तो ज़रूर मिलना चाहिए था, ठीक है। डिस्प्ले ऐसी कुछ देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, 0.7000 RPM पे अभी ये इंजन ऑन है, ठीक है। और ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है आपको। लुक पूरे डैशबोर्ड का एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ लुक इसमें आपको डैशबोर्ड का देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका नॉर्मल लुक है डैशबोर्ड का, जो कि आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑर्डर मिल गया, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई इस बार, थैंक यू भाई आप लोगों ने दे दिया। और क्या प्राइसिंग रहने वाली है वो आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ऑल वेरिएंट्स के जितने भी वेरिएंट्स के प्राइस हैं, मैं सारी आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी आराम से, तो आप देख सकते हो। तो भाई ये जो वीडियो था हमारा, ये था हमारा वेन्यू SX ऑप्शनल टर्बो वेरिएंट, ठीक है, टर्बो वेरिएंट का वीडियो था भाई। तो कैसा लगा आपको वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इससे पहले अगर आपने इसकी इवेंट वाली वीडियो देखी होगी तो वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लगी। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करना भाई। ये जो लाल कलर का बटन आ रहा है नीचे से दबा देना। टेक केयर एंड बाय बाय।